गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। सबको सुप्रभात। कुछ कुछ हम तिलक जी जब तक हमें ज्वाइन करते हैं, कल के दिन में कुछ मैजिकल हुआ हो तो वो शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाभी। मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी अपना एक्सपीरियंस। कल हमने सोचा था कि हमें प्रोटीन कैंपेन मतलब रन करना है अपने ग्रुप में, प्रोटीन की बात करनी है क्योंकि प्रोटीन के ऊपर बहुत अच्छा ऑफर आया है। तो मैंने देखा ग्रुप में काफी प्रोटीन रिटेल हुए, इस चीज को लेके काफी एंथू रहा। और मैंने भी कुछ कस्टमर से बात की थी तो प्रोटीन तो नहीं लेकिन हाँ लगभग 150 पीवी के करीबन जो है वो रिटेलिंग हुई और काफी अच्छा लगा, काफी अच्छे ऑर्डर्स आए। तो बात करते हैं तो बात होती है और जैसे कि भैया बोलते हैं कि डेफिनेटली आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में नहीं, लेकिन जैसे बात करेंगे रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे कि तो कुछ कुछ जो नीड होता है कस्टमर की वो निकल के आती है और ऑर्डर्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अमेजिंग अमेजिंग। अब देखिए सीमा ने पिछले वीक भी शेयर किया था तो लगभग विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक आई थिंक शी पर्सनली हैज रिटेल्ड मोर देन 700 पीवी। है ना, 500 पीवी की बात की थी सीमा पिछले वीक आपने, 150 पीवी कल, तो 650-700 पीवी आप रिटेल कर चुके हो विद इन अ वीक टाइम। तो ये सब समझ पा रहे हैं कि और ये बात जो है वो बाद में ही आती है, ये परिणाम है लगातार लगातार जो कंसिस्टेंटली बिजनेस बिल्ड करना उसका, और बिल्कुल ऑटो मोड के अंदर रिटेलिंग होने लगती है। और कल हम लोगों का बहुत अमेजिंग सुमित जी का पॉडकास्ट आया है, आई एम श्योर कि सब लोगों ने उस पॉडकास्ट को सुना होगा चुके हैं शायद। तो मैं सेशन हैंडओवर करूंगी और सीमा आपको मैं एक बार ही यदि आप इन केस यू कैन टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ होस्टिंग। हां जी भाभी, ओवर टू यू। तिलक सर हमारे साथ हैं तो हम अभी पहले तिलक सर को ही हैंडओवर करेंगे। सर बताएं चैप्टर 14 फाइल नंबर 14 के बारे में बात जैसे करनी है तो वेलकम सर। थैंक यू सीमा जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। आज हम बात करेंगे फाइल नंबर 14 की, है ना। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन पीयूष जी देख सकते हैं। जो लोग आज इस चैप्टर को पढ़ के आए थोड़ा सा उनसे 2 मिनट की बात करेंगे, उनमें से किसी 1 से 2-3 मिनट की बात करेंगे। तो हैंड रेज कर सकते हैं जो भी पढ़ के आए। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ। शांति दी का, शिवांगी जी का हैंड रेज है। कल शिवांगी जी से बात हुई थी फाइल नंबर 13 के बारे में, आज शांति जी से बात कर लेते हैं। सो शांति जी, कोई डाउट फाइल नंबर 14 को लेकर? नहीं सर, डाउट नहीं। सर नमस्ते, सभी को नमस्ते, मैं शांति। अच्छा लगा उसमें यही सर वित्तीय प्रबंधन का ही बताया गया कि अमीर लोग अपने वित्तीय प्रबंधन को लेकर चलते हैं, गरीब लोग वित्तीय प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। तो उसमें कल मैंने इसे कई बता दिया था कि वो अपने हिस्से को 4 हिस्सों में बांटना चाहिए, कैसे कैसे खर्च करना चाहिए इनकम को। जैसे जैसे इनकम होगी, कोई कहता है मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप $1 को भी 10-10 सेंट करके 4 महीने शिक्षा पे और इमरजेंसी के लिए और घर खर्च के लिए जैसे भी 4 हिस्सों में बांट के करते हैं तो आपका प्रबंधन अच्छा रहता है और आप धीरे धीरे अमीर बनने लगते हैं।
तो ये बहुत अच्छा बताया हर राइटर ने कि सही बात है, हम थोड़ी थोड़ी बचत भी काफी बड़ी हो जाती है, तो यही सब बताया गया 14th लेसन में। थैंक यू शांति जी। सबसे पहले तो चार नहीं, आपको अपनी आमदनी को 6 हिस्सों में बांटना है ना। सो 6 हिस्सों में बांटने क्या बात करना क्या है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं जब हम छोटे होते हैं, छोटे थे तो जैसे हम 2-3 साल के होने लगे, हमारे माँ बाप को क्या टेंशन होने लगा था कि अब इनको कौन से स्कूल में डालना है ना, आगे क्या करना है। सो वो सब चीजें जो थी ड्रेवन बाई क्या था, उनको सबको लगता था कि हमारे पेरेंट्स को लगता था कि ये कुछ करने धरने लायक बन जाए, कुछ कमाने लायक बन जाए तो इसका जीवन अच्छा चलेगा, है ना। और वही सोच लेकर हम भी अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज का जो कार्यक्रम चलाते हैं ना। तो हर सोच के पीछे, हर एक्टिविटी के पीछे मुख्य रूप से हमारा क्या पर्पज होता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। किसी भी कॉलेज स्कूल में किसी भी कोर्स के अंदर हमको ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा खर्चा कैसे जाए। सो आज हम आपको खर्चना सिखाने वाले हैं। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, बात करने में थोड़ा आसानी रहेगी। सो जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको शायद कुछ ज्यादा मजा नहीं आएगा, ये मैं पहले से जानता हूँ, लेकिन जो पढ़ गए हैं उनकी कॉस्ट पे अपन पोस्टपोन भी नहीं कर सकते फाइल को। सो आगे चलते हैं फाइल नंबर 14 के ऊपर। रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल, पुअर मैनेज देयर मनी, मिसमैनेज देयर मनी। सो ये बात स्पष्ट सी है कि जो भी लोग अमीर बनते हैं वो पैसे का मैनेजमेंट करते हैं, बजटिंग करते हैं, है ना। और बजटिंग में क्या क्या पार्ट शामिल होते हैं ये यहाँ पर आपको बताया है कि जब आपको कोई आमदनी होगी तो उसका करना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना जीवन यापन तो करना ही है, तो जो 50% ऑफ इनकम है वो आपको एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर डालते हैं, यानी कि आपका बजट ये घर खर्चे का आपका बजट हो गया, आपके जीवन यापन का बजट हो गया। बाकी जो 50% पैसा बचा है उसमें से 10% पैसा आपको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर डालना है। ये वो अकाउंट है जिसमें आपको सिर्फ डालना 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 ही है, निकालना कभी भी नहीं है ना, उम्र भर नहीं निकालना है। इस पैसे को करना क्या है फिर, जब निकालना ही नहीं है तो इस पैसे को आपको आगे से आगे री इन्वेस्ट करते जाना है, और एक आपका सिक्योरिटी फंड के तौर पे इसको आपको क्रिएट करते करते बढ़ाते जाना है हमेशा इसको। और ये आपको अपने जीवन में कभी भी यूज नहीं करना है, ये जस्ट आपका एक अम्ब्रेला है लाइफ में सिक्योरिटी के लिए। एंड अगला जो अकाउंट है वो है लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट, जो हमारे बड़े खर्चे हो सकते हैं उनके लिए हम कुछ पहले से प्लान करके और उनके लिए बचत करना शुरू करते हैं। इस अकाउंट में भी रिमेनिंग 50% में से हम 10% पैसा डालते हैं। देन एजुकेशन अकाउंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। एजुकेशन अकाउंट से मतलब बच्चों की एजुकेशन से नहीं है, सेल्फ एजुकेशन से। हम जो ब्रिटिश सिस्टम के साथ अटैच थे, जो सीडीज खरीदते थे, मीटिंग्स में टिकट लेते थे, सेमिनारों का टिकट लेते थे, आज हम ये बुक जो पढ़ रहे हैं, बुक्स के अंदर हम अपना खर्चा करते हैं, ये सारा सेल्फ एजुकेशन का जो खर्चा है वो इसका पार्ट है। देन डोनेशन अकाउंट है ना, बिना पाने की प्रक्रिया है, तो देना बहुत ज्यादा जरूरी है डोनेशन। और यहाँ पर दान पुण्य भी 10% के हिसाब से आपको करना ही करना है। एंड लास्ट में जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को शॉकिंग, मैं सरप्राइजिंग नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा लोगों को शॉकिंग भी लगेगा कि ये 10% पैसा आपको मौज मस्ती के लिए खर्च करना है, फन एंड प्ले अकाउंट के लिए खर्च करना है। सो इसकी क्या जरूरत आ गई, पैसा तो है ठीक है, हमने अपना घर खर्चा भी चला लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, एजुकेशन सेल्फ को एजुकेट कर रहे हैं और ज्यादा कमा सकेंगे, है ना, पुण्य भी कमा रहे हैं ताकि अगले जन्म में स्वर्ग वर्ग मिल जाएगा, लेकिन आफ्टर ऑल इसकी क्या जरूरत आ गई, फन एंड प्ले अकाउंट। सो शिवांगी जी से चाहेंगे कि इसको एक्सप्लेन करें, उन्होंने इसको पढ़ा है कि फन अकाउंट की क्या जरूरत है। फन अकाउंट भी एक हमारा नेसेसरी अकाउंट है। अगर हम सिर्फ कमाते ही जाएंगे बचत ही करते जाएंगे तो हमारा अंतर मन एक बार में फेडअप हो जाएगा और कहेगा कि छोड़ो ये सब बचत वचत, मुझे कुछ नहीं करना, और मौज मस्ती करते हैं। लेकिन अगर हम हर महीने अपने मन को भी तृप्ति देते जाएंगे तो हमारा काम करने का भी मन करेगा, बचत करने का भी मन करेगा, आवश्यक खर्चों पे भी हम सही तरह से लगा पाएंगे। यही मैनेजमेंट जो है वो ऑथर सिखाना चाह रहा है कि सभी पहलुओं पर खर्च करना जरूरी है, केवल निवेश से भी काम नहीं चलेगा, केवल खर्चे से भी काम नहीं चलेगा, तो मौज मस्ती भी इक्वली जरूरी है जितना कि निवेश जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू।
बहुत जरूरी है, बिल्कुल इस बात से तो हम एग्री कर ही रहे हैं, लेकिन क्यों जरूरी है ना? देखो मेरा प्रश्न हमेशा क्यों पर रहेगा, आप क्यों का जवाब दीजिए, क्यों जरूरी है? मैं बताऊं सर? यस यस वेलकम। इसमें लेखक ये कह रहा है कि सर जो पैसा हमने 5 या 10% जो रखा है फंड और मस्ती के लिए, तो आप खुले दिमाग से उसको उड़ाएंगे बिल्कुल जैसे अमीर लोग उड़ाते हैं, तो आपका मस्तिष्क भी वैसे ही बिहेवियर करने लग जाएगा, उसको लगेगा यस मैं अमीर हो रहा हूँ और मैं अमीरों की तरह पैसा उड़ा रहा हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो जय ने बिना किताब पढ़े आपको बता दिया इसका लॉजिक, चीजों को क्यों के आधार पर समझने की हम कोशिश करें कि आफ्टर ऑल ऐसा क्यों है ना। जब आप फन एंड एंजॉय के ऊपर खर्च करेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक गरीब आदमी नहीं है या आपके पास लिमिटेड मनी नहीं है, यू कैन एंजॉय द लाइफ और आप अच्छा सा खर्चा कर रहे हैं, तो अपने आप को एक अमीर होने का फील देंगे। लेकिन पैरेलली इसके साथ एक बात और भी जुड़ी हुई है कि सारा ही पैसा फिर हम खर्च करने में क्यों नहीं उड़ाते? तो अगर आप खर्च करने में बहुत ज्यादा पैसा या सारा पैसा उड़ाने लगेंगे तो एक अपराध बोध से ग्रसित हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एक अमीर होने का बोध हो रहा है, अमीर होने का एहसास मिल रहा है, लेकिन अगर खर्चा ज्यादा करेंगे तो धीरे 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 जब भी हम खर्च करेंगे अपने आप को लगेगा कि मैंने गलत काम किया ना, तो अपने आप को गिल्टी कॉन्शियस हम फील करने लगेंगे और लगातार लगातार हम अपने आप को अपराध की तरफ धकेलते जाएंगे, अपराधी होने समझने की तरफ धकेलते जाएंगे। सो ऐसा भी नहीं करना है, इसीलिए ये फंड मैनेजमेंट की बात हो रही है, इनकम मैनेजमेंट की बात हो रही है। लेकिन ये अफसोस की बात क्या है कि किसी भी कॉलेज स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता, इसीलिए हम अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से जो कि ज्यादातर गलत ही होती है ना, हमारी सबकी फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग जो बचपन से हम लेके आए हैं तकरीबन 100% तो किसी की भी करेक्ट नहीं है ना, गलत ही होती है वो, और इसी वजह से हम पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हुए चलते रहते हैं ना। तो कोई लाइफ को अपने हिसाब से मतलब एक कम से कम अगर अपन बात करें संपूर्णता की, हम लाइफ में एक फुलफिलनेस या कंप्लीटनेस की फीलिंग कभी ला नहीं पाते, कुछ न कुछ एरिया हमको लगता रहता है कि लैक हो रहा है। सो इस फीलिंग से बचकर और अपने पैसे को तरीके से इन्वेस्ट अपन कर सकें, सारी की सारी बात यहाँ पर इतनी सी है ना। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इसमें दिया है किताब के अंदर कि अगर कोई व्यक्ति वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर आया है, उसको किसी को वेट कम करना है, तो हमारा एक्सपीरियंस क्या बताता है, 99% लोगों का प्रोग्राम फेल हो जाता है, सिर्फ 1-2% लोग ही वेट मैनेजमेंट के तहत अपने आप को रेगुलर रख पाते हैं और अपने आप को टारगेटेड जो डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं वहां तक ले जा सकते हैं। लेकिन वो हर व्यक्ति अपने आप को डिजायर्ड लेवल तक ले जा सकता है अगर वो अपने इस टास्क को अपने इस प्रोग्राम को रिवॉर्ड से अटैच कर दे। मान लो अपने आप को हमने डायरेक्ट किया हुआ है प्रोग्राम के तहत कि मुझे स्वीट के हाथ नहीं लगाना, अब मैं किसी पार्टी में गया, शादी में गया और वहां पर खूब सारी मेरे पसंद की मिठाइयां रखी हुई है ना, और मैं उनको बाकायदा अपने आप को समझा के कि नहीं मेरे लिए ये चीज जहर के बराबर है, अच्छी नहीं है, नहीं खाऊंगा, सो नहीं खाई, एंड घर आके मैं अपने आप को उसके लिए रिवॉर्ड करूँ कि वाह तिलक तुमने आज तो कमाल कर दिया, देखो तुमने इतनी अपनी पसंद की रसमलाई को बिल्कुल सामने होते हुए इतनी मनोहार के बाद लोगों ने तुमको इतना प्रेशर किया उसके बाद भी तुमने टच नहीं किया। तो जब हम सेल्फ रिवॉर्डिंग करते हैं तो त्याग और पुरस्कार दोनों का बैलेंस बन जाता है जीवन में हर क्षेत्र के अंदर। हमने पहले इस किताब के शुरू में बात करी थी, अगर रोशनी है तो अंधेरा भी है, ठंडा है तो गर्म भी है, ऊपर है तो नीचे भी है, तो हर चीज जो है अपना दूसरा पहलू मांगती है, हर चीज के दो पहलू है। तो अगर आप अगर किसी चीज को छोड़ रहे हैं तो आपको कुछ बदले में अगर मिलेगा तो यू विल फील हैप्पी और आप उसके ऊपर टिके रह सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप जीवन में कमाते ही कमाते जाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं अपने आप को, सारे खर्चे तो कर रहे हैं लेकिन खुद को कभी एक खुशी का मौज मस्ती का एहसास ही नहीं दे रहे, तो जीवन का एक क्षेत्र आपका क्या कहेगा, हार्डवर्क और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम तो चल रहा है लेकिन दूसरा पहलू जीवन का अधूरा ही रह गया जहां पर हमारा मन हमारा मस्तिष्क हमसे रिक्रिएशन भी मांगता है। सो इसलिए ये फन एंड एंजॉय अकाउंट की या मौज मस्ती वाले अकाउंट की हमारे को जरूरत है। ये मुख्य बात है इस फाइल के अंदर जो हमारे को समझ के अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत तेजी से फायदा होने वाला है, अपना मैनेजमेंट बहुत बढ़िया चलने वाला है। अब यहाँ पर एक बात और भी आती है, बहुत सारे लोगों के पास समस्या होती है कि वो ये कहते हैं मेरा तो घर खर्चा ही पूरा तरीके से नहीं चलता, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन और ये बजट बनाना, तो मैं बजट बनाता भी हूँ लेकिन वो 15-20 तारीख होते होते सारा ध्वस्त हो जाता है, बजट आगे चल ही नहीं पाता, ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कुछ लोग कहते हैं क्या मैनेजमेंट करूँ, क्या इन्वेस्ट करूँ, मैं तो अपना घर खर्चा ही कर्जा लेके चला रहा हूँ,
मुश्किल से मेरा काम चलता है, तो ऐसे में मैं क्या मैनेजमेंट करूं। तो यहाँ पर लेखक ने ये बताया हमारे को कि आपको क्या मैनेज कर सकोगे या कितना मैनेज कर सकोगे, अमाउंट जो है वो मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है? हैबिट। हम सभी लोग हैबिट आदमी इंसान जो आदतों का पुतला है ना, और हम जब ये हैबिट डेवलप करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो हम अपने आप को ब्रह्मांड के सामने भी प्रूव करते हैं कि हम एक फाइनेंशियल मैनेजर हैं, मैं पैसे को हैंडल कर सकता हूँ। किताब में एग्जांपल भी दिया है कि एक बच्चे को अगर आपने कौन एक स्कूप के साथ में दिलाई आइसक्रीम और बच्चा शोरूम से बाहर निकलते निकलते उसको गिरा देता है, अगेन दोबारा दिलाने के लिए आप अंदर जाते हैं शोरूम के अंदर, और जब आप उसको आइसक्रीम दिलाते हैं तो उस समय उसकी नजर पड़ती है एक दूसरे कोन के ऊपर पोस्टर लगा होता है जिसके अंदर तीन स्कूप की कोन होती है। अब वो जिद करता है कि मेरे को ये तीन स्कूप वाली कोन देता, तो उसके अंदर हरा कलर का आइसक्रीम भी है, पीला भी है, नीला भी है, जो भी है, तो बच्चा जिद करता है। लेकिन आप उसको क्या दिला दो, वो कहता है जब एक स्कूप की कोन ये नहीं संभाल पाया तो आप उसको तीन स्कूप की कोन कभी नहीं दिलाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर आप 50,000 रुपए महीने की अर्निंग को भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो यूनिवर्स कभी भी आपको लाख रुपए की तरफ जाने नहीं देगा, क्योंकि यूनिवर्स ये मान के चलता है यू कैन नॉट हैंडल द मोर देन 50,000। सो आपको अपने आप को इस काबिल साबित करना है कि यू आर ए मैनेजर ऑफ मनी, तब यूनिवर्स आपकी तरफ पैसा भेजने लगेगा। जो हम बर्तन बढ़ाने की बड़ा करने की बात करते हैं, दिमाग के अंदर स्पेस क्रिएट करने की बात करते हैं, वो सारी बातें बेसिकली यही है। तो आपको अपने आप को फंड मैनेजर साबित करना है। लेकिन अब प्रश्न ये आया कि मेरे पास तो है ही नहीं, मैनेज क्या करूं? तो लेखक ये कहता है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास नहीं है और अगर या फिर आप कर्जे से काम चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप $1 और कर्जा लेंगे और सिर्फ उस $1 को मैनेज कीजिए हर महीने, ऐसा कीजिए। और एक एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने, जिसने एक लेडी ने ऐसा करने का डिसीजन किया, तो उसके सामने ये प्रश्न आया कि $1 मैनेज करने से होगा क्या? तो उसने अपने आप को एनकरेज किया और उसने कहा कि ठीक है इस महीने में $1 मैनेज करूंगी, लेकिन अगले महीने $2 मैनेज करूंगी, और इस तरीके से करते करते साल के अंत तक कितने $1 हो जाएंगे, मेरे ख्याल से 2048 या 1048 ऐसा कुछ फिगर था, इतने डॉलर मैनेज करने तक वो पहुंच जाएगी। सो बोनस आने लग गया इसको। हाँ तो ये हैबिट जो है मैनेजमेंट की वो इम्पोर्टेंट है, न कि पैसा का अमाउंट इम्पोर्टेंट है। सो हमको मैनेजर है इस बात की हैबिट डालनी है, कल हमारी इनकम ऑटोमेटिकली इससे मैनेज होने लगेगी और आगे से आगे सारी चीजें इम्प्रूव होने लगेगी। ये करके देखने से ही समझ में आएगा, तो हो सकता है थ्योरेटिकल बेस पे हमारे को समझ में नहीं आ रहा हो। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा वापस फाइल की लर्निंग के ऊपर। एजुकेशन अकाउंट की बात हुई, सारे अकाउंट्स की बात हमने करी ली, देन जो किताब इसके चैप्टर के सार की बात करें तो पुअर अवॉइड्स मनी मैनेजमेंट सेइंग इट रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम नो मनी टू मैनेज। कई बार ऐसा भी होता है कहते हैं यार क्या मैनेजमेंट मैनेजमेंट करना, पैसा अपनी मर्जी से जियो ना, सारा बंधनों में जीना भी कोई जीना है क्या? तो आजादी को हम सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, ये सोच के भी कई लोग फंड मैनेजमेंट से कतराते हैं, बचते हैं। लेकिन लेखक बताता है कि ऐसा अपने क्यों जरूरी, अपन बात इसकी कर चुके हैं और नो मनी टू मैनेज उसकी बात भी हम कर चुके हैं। हैबिट टू मैनेज मनी इज इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ मनी, आइदर यू कंट्रोल मनी और मनी विल कंट्रोल यू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम पैसे का प्रबंधन नहीं करेंगे, बजटिंग नहीं करेंगे, तो आफ्टर ऑल क्या होगा, पैसा हमारा जीवन चलाने लग जाएगा। अब चलाना किसको, हमको पैसे को हमारे हिसाब से चलाना है, लेकिन अंत में अगर हम इस ऐसा नहीं कर पाए तो होगा ये कि जो हमारी आमदनी होगी हम उसके हिसाब से जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो मनी विल कंट्रोल अस, ना कि हम पैसे को कंट्रोल करेंगे। लर्न मनी मैनेजमेंट ऑल एरियाज ऑफ लाइफ विल सो। जैसे ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना शुरू करेंगे, सीख जाएंगे, तो जीवन के सभी क्षेत्र सभी एरिया अंदर बहुत ज्यादा हम ऊंचाइयों को छू पाएंगे, हमारे बहुत ज्यादा प्रगति होना शुरू हो जाएगी। और क्या फायदे होंगे, इट विल एनहांस कॉन्फिडेंस। आपके अंदर एक आत्मविश्वास का विकास होता ही होता है जब आपको लगता है कि आपके जीवन के अंदर सब क्षेत्र बैलेंस है, आपके पास एक सिक्योरिटी के तौर पे पैसा भी पड़ा है, आप आने वाले खर्चों के लिए भी आप मैनेजमेंट करके चल रहे और अपने आप सेल्फ ग्रोथ भी दे रहे हैं। एजुकेशन फंड के थ्रू आप सेल्फ ग्रोथ दे रहे हैं, डोनेशन के थ्रू आप अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, खुद के लिए, रिलेशनशिप को अच्छा रख रहे हैं। और ये सब चीजें जब अच्छी रहती है तो अप्रत्यक्ष रूप से आपकी हेल्थ के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है और आप एक अच्छे से वेलनेस वाले हेल्थ को एंजॉय करते हैं। थैंक यू वेरी मच।
ओवर टू होस्ट. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर. बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बताया कि किस तरह से हम अपने धन को मैनेज कर सकते हैं. और डेफिनेटली मैं जब भी ये चैप्टर पढ़ रही थी तो मुझे वो शिवांगी जी की बात याद आ रही थी कल जो बात हुई थी. और आपने जो बताया था कि स्क्रीन में जो बैकग्राउंड था बैलेंस का, तो पहले दो पेज जब मैंने पढ़े तो वहां पे बचत के बारे में लिखा हुआ था. तो मुझे यही चीज थी जैसे आप बता रहे थे कि आपको 10% जो है वो अपना धनराशि को बचत में रखना है, सेविंग में रखना है, और उसको एफडी या कुछ इस तरह से जिसमें कि हम आगे जाके उसको निवेश कर सके, यूज कर सके. लेकिन बाद में वो बातें क्लियर हुई कि कैसे आपको दोनों चीजों में बैलेंस करना है, कि आपको अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोचना है और वहीं पे अपने को एक इनाम भी देना है, मतलब अपने ऊपर खर्चा करने के लिए या फिर सिर्फ फिजूल खर्ची के लिए भी कुछ धन के अमाउंट को रखना है जिससे कि आप अपने आप को प्राइज दे सके. तो ये दोनों चीजें कैसे बैलेंस कर पाएंगे और कैसे धन को मैनेज कर पाएंगे, तो बहुत खूबसूरती से सर ने समझाया, बहुत अच्छा लगा. और मैं तो यही कहूंगी कि जब हैंड रेज करवाते हैं तो सबका हैंड रेज होना चाहिए, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ के आएंगे ना और फिर ये बातें सुनेंगे ना तो बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएंगी, बहुत सारी चीजें, मतलब हम अंदर तक इस चीज को उतार पाएंगे कि किस तरह से हम रियल में धन को मैनेज कर सकते हैं. तो चैप्टर पढ़ के आने के बाद बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. तो आई होप, मतलब डेफिनेटली कल सब लोग जो है वो फाइल 15 जो है वो पढ़ के आएंगे. अब हम आगे चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे फोकस शेयरिंग. आज का डे प्लान जो है हमने बना लिया होगा, जैसे कि कल पीयूष भाभी ने बताया था कि हमें अपना डे प्लान करना है. सोनल का हैंड रेज है, सोनल कुछ बताना चाह रही है. गुड मॉर्निंग ऑल. मैंने अपना डे प्लान कर लिया. आज मीटिंग स्टार्ट हुई उससे पहले ही अपने ग्रुप पर एक पोस्ट हुआ था सी आज जो कल चावला जी है डायमंड लीडर, मैंने उनका जो लिंक है मुझे जिनको भेजना था मैंने सबको फॉरवर्ड कर दिया. और मीटिंग के वाइंड अप होने के बाद मैं सबको कॉल करके रिमाइंडर करवाऊंगी. तो ये मेरा फोकस है. और आज का मॉर्निंग सेशन का भी फोकस था कि मैं अपनी टीम के साथ बैठूं. तो वाकई में मेरे आज दो लीडर्स आए हुए हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है कि मैं खुद भी आई हूँ और मेरे लीडर्स भी आए हुए हैं. तो थैंक यू. ग्रेट ऑसम शेयरिंग सोनल. डेफिनेटली इसका ये जो आपने अपना फोकस शेयर किया इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है. और ये मॉर्निंग सेशन का जादू जो है वो डेफिनेटली होने वाला है. जय भैया का भी हैंड रेज था, भैया को शेयर करना चाह रहे हैं. मैं ये बताना चाह रहा था कि मनी प्रबंध का मैंने अपना लाइव देखा है कि जब मैं बचपन में दूध सेल करने जाता था लोगों के यहाँ पे, तो कुछ ऐसे रिच परिवार थे जहाँ पे मैं देखता था कि वो पैसे तो मेरे अकॉर्डिंग उतने ही कमा रहे थे, लेकिन उनका मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त था. यानी खाने पीने का, शादी में वो पैसा खूब खर्चते थे, महीने में एक बार वो पार्टी करने भी जाते थे, बहुत कुछ करते थे. और मैं ये देखता था कि उतने ही पैसा मैं कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मैनेजमेंट है वो क्या है कि जो पैसा आता है चला जाता है और देखते हैं कि आधे महीने के अंदर ही सारा खत्म हो गया है, सारा कुछ वही घसीट के पूरा महीना निकालना पड़ता था. तो मैंने देखा कि प्रबंधन क्या है इसमें, ये करते क्या है, पैसा तो इतना ही कमा रहे हैं मेरे जितने. फिर मैंने देखा कि बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे थे, शेयर ले रहे थे, गोल्ड लेके रख रहे थे, और हेलो घर खर्च में इतना सही घर चलाना है. और एजुकेशन का भी देखता था कि एजुकेशन भी वो अच्छे बच्चों को अच्छी दिला रहे थे, सारा कुछ प्रबंधन का जबरदस्त था. ग्रेट शेयरिंग भैया. और कोई भी और शेयर करना चाहेगा, आज का फोकस क्या होना चाहिए, क्या आपने अपने लिए डे प्लान किया है? इसमें मैं 12:30 बजे कपल का प्लान भी होता है अपना सैटरडे को, तो उसके लिए भी अपने प्रोस्पेक्ट को अपने को इनवाइट करना है, अगर है तो उसका शेयर करें मैम.
सैटरडे आई थिंक संडे है प्लान. संडे 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 प्लान है 12:30 बजे. आज जो है वो उसके लिए डीटीएम कर सकते हैं. और जो सोनल ने शेयर किया है 2 बजे एक प्रोग्राम है शी मुंबई क्लस्टर ट्रेन. टेलीग्राम पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ग्रुप पे भी शेयर हो जाएगा. उसके लिए फोकस कर सकते हैं. और एक प्रोग्राम 12 बजे होने वाला है हेल्दी आईज और हेल्दी लीवर पे. कस्टमर के लिए वो काफी अच्छा प्रोग्राम हो सकता है. आप अपने कस्टमर को वहां पे प्लग इन कर सकते हैं. और बाकी ग्लूकोज बोन सेल, हाँ जी बोन सेल का प्रोग्राम है शाम को. शाम को 2 बजे शी प्रोग्राम है और 12 बजे जो है वो हेल्दी आई और हेल्दी लीवर के ऊपर प्रोग्राम है. तो ये सारे फोकस हो सकते हैं. डेफिनेटली ग्लूकोज अमीन ऑफर आया हुआ है, शायद 1 या 2 दिन और बचे वो ऑफर, तो हम उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं. ग्लूकोज अमीन बहुत मार्वेलस प्रोडक्ट है. हम अपने ग्रुप में ग्लूकोज अमीन का बोन हेल्थ का एक कैंपेन भी चला सकते हैं, जिसमें कि सब ग्रुप में शेयर करें अपने एक्सपीरियंस, अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस, है ना. और डिजिटल कॉन्क्लेव विवेक भैया हमारे साथ हैं, अमृता भाभी हमारे साथ हैं, तो उन्होंने याद दिलाया डिजिटल कॉन्क्लेव के बारे में. आज सैटरडे है तो डेफिनेटली डिजिटल कॉन्क्लेव भी होने वाला है, तो वो एक बहुत बड़ा है कि उसके ऊपर फोकस करें. अपने सारे जो टीम मेंबर है उनको प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना. जस्ट मैसेज डालने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रमोट करना है. तो ये सारे फोकस जो है वो आज के हो सकते हैं, तो इनको फोकस में रख के आप अपना डे प्लान कर सकते हैं. जयेश रनवा जी का प्रोग्राम है, डॉक्टर साहब है ये, और ये बोन्स और जॉइंट हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम चला रहे हैं. अर्न एंड एंजॉय में इसका लिंक आया हुआ है मैम. अच्छा अच्छा, और ग्लूकोज अमीन जो हम बात कर रहे हैं बोन हेल्थ, तो ये प्रोग्राम भी हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है. तो शिवांगी जी आप इसका लिंक शेयर कर देंगे तो डेफिनेटली सबको बहुत बेनिफिट होगा इससे. अब हम आगे चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे, बल्कि हम करेंगे प्रेयर. तो आज ये अपॉर्चुनिटी कौन लेने वाला है प्रेयर करवाने की? सीमा दीदी आज मैं करूं. हां जी हां जी, वेलकम अनीता जी. थैंक यू दीदी. सबसे पहले हम सभी लोग हमारे परम पिता परमेश्वर को याद करेंगे और शांत होके हम प्रार्थना करते हैं. मैं एक शक्तिशाली शांतिपूर्ण और लौकिक आत्मा हूँ. धन्यवाद प्रभु, मैं हर किसी को उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ. धन्यवाद प्रभु, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ सुखी और समृद्ध परिवार है. धन्यवाद प्रभु, अपार सुख वैभव और असीम प्रेम रिश्तों के लिए. सब शक्तिमान ईश्वर हर पल मेरे साथ है. मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ. मेरे महामस्तिष्क के महाशक्तियों का ज्ञान हो रहा है. मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ. मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकता शक्तिशाली, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है. मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते, और इस तरह से नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है. मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं. हमारे गुरु दीप्ति मैम, पारुल मैम, तिलक सर, पीयूष मैम बहुत ही विनम्र और हर समय हमारे मार्गदर्शन करते हैं. मैं और मेरी टीम
प्रतिदिन सफलता की कथाएं सुनते और किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम मीटिंग में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और हम प्रतिभाशाली लीडर बन रहे हैं। एमबे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड और बियोन जाना मेरे लिए आसान है। मेरे और मेरी टीम में सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपको कृतज्ञता से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु। थैंक यू ऑल माय लीडर्स। थैंक यू सो मच अनीता जी, बहुत बहुत अच्छी प्रेयर करवाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। देखिए मैं पहली बार मैंने किया तो पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं, लेकिन आई डू माय बेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वो कह रहे हैं कि फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है। अभी शायद आपके मुंह से फिजूल खर्ची वर्ड निकल गया था, तो दैट इज नॉट फिजूल खर्ची। आपको अपने आप को प्यार करना है, पेम्पर करना है, लड़ाना है, खुद का लाड करना है। आप अपने आप को अमीर होने का एहसास दिला रहे हैं, यानी कि जिस तरह से हम अपने बच्चे को लाड करते हैं, प्यार करते हैं, खुद को प्यार करना है। फिजूल खर्ची को गलत शब्द शाब्दिक अर्थ के अंदर ना लें, फिजूल खर्ची का मतलब यहाँ पर यही है कि आपको अपने लिए खुद के पैम्परिंग के लिए खर्च करना। थैंक यू सो मच तिलक जी। और अब हम फोटो क्लिक करेंगे, सारे डायमंड्स एक ही फ्रेम में सुबह सुबह। और ये ब्लेसिंग है कि हम जो है डेली सुबह जो सुबह तिलक सर के सानिध्य में हमारे मेंटर्स अमृता भाभी, विवेक भैया और पीयूष भाभी, साकेत भैया और सब लीडर्स के साथ में अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। Still waiting, कुछ और वीडियो खिड़कियां खुले तो बहुत मजा आएगा। Still waiting, ready. मैं मेरे पास दो स्क्रीन है, दूसरी स्क्रीन पे जा रही हूँ अभी। आप वीडियो अपना ऑन रखना। थैंक यू सो मच तिलक सर। कल के लिए कुछ बोलना चाह रहा है तो या वाइंड अप करें? कल फाइल नंबर 15 पे जाएंगे और जैसे कि आपने बोला लोग पढ़कर आएंगे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अदरवाइज ठीक है, सत्संग तो हो ही रहा है, कपड़े झाड़ के वापस जा सकते हैं। डेफिनेटली। तो इससे आप अपनी लाइफ में जादू अगर चाहते हैं तो डेफिनेटली पढ़ के आइएगा, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग है जो अभी हो रही है हमारे साथ। ये सारी चीजें हो रही है, तिलक सर का टाइम हमें मिल पा रहा है, तो इस वाले टाइम को ऐसे ही मत जाने दीजिए, है ना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, गो डायमंड। थैंक यू एवरीवन, गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड।